banana. No banana. You like banana? Yeah, tip. I love you. वो लड़की नहीं, वो लड़का होते हैं, इसलिए लेडी बॉय होते हैं। लेडी बॉय का स्कैम ना थाईलैंड में बहुत ज्यादा होता है। तो ये है देखो लेडी बॉय जो आपका रात रात को ना ऐसे आपके कोने कोने पे खड़े रहते हैं। अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया ना तो मेरे घर वाले की इतनी भी हिम्मत भी नहीं कि मुझे यहाँ से लेकर बाहर जा पाए। इसलिए थाईलैंड में लोग मगरमच्छ भी खाते हैं भाई। आई लव यू। मैक्सिमम टूरिस्ट के साथ ये स्कैम होता है भाई, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। इस टाइम पे मैं आपका इंडिया से थाईलैंड की यात्रा में हूँ और ये मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है मेरा हॉस्टल। पिछले दो दिन पहले मैं आपका मैड मंकी में आ गया था। और जितने भी लोग थाईलैंड आते हैं, वियतनाम आते हैं ना, मैड मंकी नाम से एक बहुत बड़ी हॉस्टल की चेन है जहाँ पे सारे ट्रैवलर रुकते, तो मैं भी यहीं पर रुका हुआ था। और लास्ट नाइट मैंने आपको मैड मंकी का जो पब क्रॉलिंग वाला सीन है वो सब कुछ दिखाया। तो आज मैं निकल रहा हूँ थाईलैंड के खाओसान शहर में कुछ नया एक्सप्लोर करने। मतलब किसी मैड मंकी जैसे हॉस्टल की तरफ से पब क्रॉलिंग या आपका नाइट मतलब स्पेंड कर रहे हो तो आप इनका मतलब अपना एक सिस्टम होता है कि पहले यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर जहाँ जहाँ आपको लेके जाएंगे वहाँ पर आपके लिए व्यवस्था करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, खाना पीना, ड्रिंक एवरीथिंग। लेकिन अगर आपके पास ऐसे किसी हॉस्टल में आपकी कोई एंट्री नहीं है, कोई आपने रजिस्टर नहीं किया है घूमने के लिए, अगर आप थाईलैंड वैसे खाओसान घूमने आ जाए तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो आज कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं यहाँ से घूमते हुए यहाँ के स्ट्रीट फूड मार्केट से होके निकलेंगे थाईलैंड खाओसान के शहर को घूमेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि थाईलैंड के बाद एक और नए देश की यात्रा होने वाली है। आपका 10 बजे के टाइम पे ना पूरा खाओसान थाईलैंड का ये बाजार पूरा एकदम सुनसान हो चुका है। यहाँ पे ना इस टाइम पे क्लब, नाइट लाइफ और आपका स्ट्रीट फूड सब कुछ आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। जैसे कि पूरा थाईलैंड शहर ना आपका पूरी रात सो जाता है ना, लेकिन यहाँ का बाजार ना पूरी रात चलता है। कुछ ऐसा माहौल देखो इस टाइम पे। इस बाजार में जब आप जाते हैं ना तो मतलब आपका खाओसान का जो मार्केट है ना वो आपका पूरा ऐसे फैला हुआ है, बट इस बाजार के अंदर जाने के बाद जो माहौल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो चलो भाई, मैं आपका बाजार के अंदर आ चुका हूँ, मतलब ये जो मार्केट है इसके अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ देखो भाई, अलग माहौल था आज, थोड़ा शांत सा। यहाँ पे हमको ये बियर ऑफर कर रही है। बियर ये टिप बूम बूम नो बूम बूम शरीफ बच्चा सर, कोल्ड ड्रिंक वियर ऐसे सजा के रखी हुई है। अभी मैंने खाना खाया, इनको हिंदी तो आता नहीं होगा। ओके, 100 baht ओनली गुड बूम बूम। अरे नो बूम बूम यार, नो बूम बूम, ओनली वांट सेल बूम बूम। नो आई लव यू, योर नेम आई लव यू टू, इसका नेम लव यू टू। तो भाई जी, यहाँ पे ना आपके रात के टाइम पे ना भाई बाजार में पूरा स्ट्रीट फूड मार्केट भी लगा रहता है। आप देख रहे हैं मतलब डांस वांस सब कुछ है, लेकिन भाई स्ट्रीट फूड मार्केट भी बहुत बढ़िया तरीके से, तो कुछ लोगों ने घेर लिया है इस तरीके से और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे, ये लड़की बनाना ऑफर कर रही है। व्हाट इज दिस बनाना? नो बनाना, गुड फॉर यू। तो भाई मैं ना अभी बाजार के अंदर आया हूँ ना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना हल्ला गुल्ला है चारों ओर ना बस म्यूजिक चल रहा है। और यहाँ पे ना भाई इस टाइम पे कुछ इस तरीके से ना लड़कियाँ हाथों पे ना टेम्पलेट लेके खड़ी है और इस तरीके से सामान बेच रही है, बियर बेच, मतलब यहाँ पे जो क्लब्स है ना वो लोग अपनी तरफ से एम्प्लॉय रोड पे खड़े करते हैं, हाथ में बोर्ड लगा के लाफिंग गैस, बहुत सारी चीजें मतलब यहाँ पे सेल होती है। यहाँ पे ना मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है, हर किसी के हाथ में बलून है और एक छोटा सा इनका मतलब पेंसिल के बराबर एक होता है ना, उसको फोड़ रहे हैं, उसमें गैस निकल रही है और बलून में भर रहे हैं और पीते जा रहे हैं, उससे ना उनका नशा और ज्यादा हो रहा है। बलून फुला रहे हैं मतलब यहाँ पे लोग दारू कम पी रहे हैं, बलून ज्यादा फुला के पी रहे हैं, वो क्या बलून ऐसे। तो भाई जी, यहाँ पे जो भी लोग आपका क्लब में पार्टी में हर जगह मस्ती मजा कर रहे हैं ना, दारू पी रहे हैं खरीद रहे हैं, नाइट्रोजन गैस पी रहे हैं खरीद रहे हैं, लेकिन खाने के लिए ना बार के पास कुछ नहीं है। खाने के लिए उनको रेडी पे जो लगा है ना आपका बिच्छी, कछुआ, जो भी क्रोकोडाइल, क्या क्या खा रहे हैं यार, सब कुछ, चाहे कोई कितना रही से वो आ रहा है और खा रहा है। यहाँ पे ना बिच्छी भी खाते हैं, मगरमच्छ भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं भाई। रात के 11 बजे भी ना कुछ ऐसा माहौल है भाई इस रोड पे, देखो स्टार्टिंग से ही आपका यहाँ पे स्ट्रीट फूड लगा हुआ है। वैसे ये जो बाजार है ना ये आपका स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और सामने आपको देखो क्रोकोडाइल, यहाँ मगरमच्छ भी खाते हैं यार थाईलैंड में भाई, थाईलैंड में लोग मगरमच्छ भी खाते हैं भाई, जिसको देख के ना पूरी दुनिया डरती है, उसको यहाँ पे लोग ऐसे ही खा लेते हैं प्यार से, देख रहे हो। और इसका प्राइस है आपका 10 baht। व्हाट इज दिस? हाँ नेम, व्हाट इज दिस नेम? चिकन, चिकन रैप चिकन। यहाँ पे एक दिक्कत और है ना भाई, लोग ना हमारी बात को एकदम क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, इनकी इंग्लिश भी थोड़ी सी डिफरेंट है और हमारी इंग्लिश तो खराब ही है भाई। क्या क्या मिल रहा है डिश में? व्हाट इज दिस?
फिश मधु मधु फिश भाई, हमारे वहाँ तो लड़कियों का नाम मधु होता है, मछलियों का नाम भी मधु है। आपका यहाँ के नाइट लाइफ ना बहुत एडवेंचरस, बहुत वाइल्ड है। ये आप देखते हो लड़की ना पूरी पीके सेट हो चुकी है, मतलब थाईलैंड में आपको जो कहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो लेडी बॉय होंगे, लेडी बॉय मतलब जो लड़की, जो लड़का लड़की बन के घूमते हैं वो लोग। भाई यहाँ पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भैया आपका रोड पे भाई बियर बेच रही है। भाई जी मैं आपका ये नाइट लाइफ वाले बाजार से बाहर आ गया, अब मुझे पैदल पैदल अपने होटल पे जाना है। वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा होटल है और यहाँ पे टैक्सी भी है, अगर आप टैक्सी से जाना चाहो तो, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे आप जा सकते हो, क्योंकि मेरा 700 मीटर में बगल में मेरा होटल, तो मैं क्या ही टैक्सी लूँ यार। पैदल पैदल भी जाऊँगा तो 3 मिनट में अपने रूम में पहुँच जाऊँगा। मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ और अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा भाई। ऐसा नहीं कि थाईलैंड में सिर्फ पैसा बहुत है, लोग नशा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो ना रात में रोड पर सो के ना अपनी रात गुजारते हैं, दिन भर सामान बेचते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जा रहा था अपने होटल की तरफ ना, यहाँ पर मैंने देखा कुछ बेचारे लोग ऐसे सोए हुए हैं देखे रोड पर। भाई मैं आपको ना लेडी बॉय के बारे में बता रहा था ना भाई, तो ये है देखो लेडी बॉय जो आपका रात रात को ना ऐसे आपके कोने कोने पर खड़े रहते हैं। You want to eat? रास्ते पे ऐसे खड़े मिलेंगे आपको बहुत सारे लोग। तो भाई जी मैं अभी आपका ना कॉफ़ी पीने के लिए मतलब जा रहा था, मतलब अपने होटल की तरफ निकल रहा था, और भाई आपने देखा एक लेडी आपको मेरे पास आई और मुझे बोली, मेरे को लगा उसने हेलो बोला, मैंने हेलो बोला, मैंने कहा ठीक है, तो उसने पता नहीं क्या क्या नहीं बोला भाई साहब। और बताया यहाँ पे सारे ना मैक्सिमम ना मतलब 80% तो आपका लेडी बॉय रहते हैं। लेडी बॉय मतलब वो होते हैं ना जो आपके लड़के होते हैं और वो लड़कियों की तरफ पूरे कपड़े वपड़े पहन के घूमते हैं और वो आपको गुमराह करते हैं, धोखा टाइप का देने की कोशिश करते हैं, फिर आपको मतलब बुलाते हैं, बातों में लगाते हैं, फिर आपका सामान वहाँ छीन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो भाई बैंकॉक में अगर भाई आपके साथ ऐसा स्कैम होगा तो आप प्लीज़ 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 बच के रहना, कि मतलब जब यहाँ लोग आते हैं ना तो मतलब लोगों को लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लोग उनसे हंस के बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। मैं तो ना फटाफट से वहाँ से भाई अपने रूम की तरफ आ गया, मैं निकल गया, मैंने कहा भाई यार मेरे को कॉफ़ी पीनी है, तो उसने बोला हेलो, मैंने कहा बोला यस हेलो, मेरे को लगा शायद कुछ कह रही होगी ठीक है हेलो, तो उसने पता नहीं क्या क्या ऐसे शब्द बोले ना कि मैं कैमरे में बोल भी नहीं सकता सब कुछ। तो मतलब वो लड़का था या लड़की थी वो तो बात की बात है, बट मेरे को यहाँ पर पता चला कि भाई 80-90% लोग ना आपका लड़के होते हैं जो ऐसे कपड़े पहन के मेकअप करके यहाँ पर खड़े रहते हैं भाई। तो भाई प्लीज़ 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 अगर आप यहाँ थाईलैंड या बैंकॉक आ रहे हो, प्लीज़ आप इस स्कैम से बचना, वरना आप भाई बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह। थाईलैंड आ रहे हो तो प्लीज़ इस स्कैम में मत फंसना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आप अपना खाना खाओ, किसी के हाथ से ना कुछ पियो, ना खाओ, ना कुछ करो भाई, आपको कोई भी कैसे भी आपको लूट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भाई, बहुत बुरी हालत हो सकती है। आपका पासपोर्ट छीन सकते हैं, आपके पैसे छीन सकते हैं, आपका फ़ोन छीन सकते हैं, क्योंकि भाई वो लड़की नहीं वो लड़का होते हैं, इसलिए लेडी बॉय होते हैं। लेडी बॉय का स्कैम ना थाईलैंड में बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा। कोई भी ना आपको कुछ पिलाए और कुछ खिलाए तो आपको नहीं खाना है, क्योंकि यहाँ पे लाफिंग गैस के साथ साथ ऐसी नशीली गैसें भी लोग पीते हैं, और जो टूरिस्ट को पिलाते हैं उसके बाद टूरिस्ट बेहोश हो जाता है, उसका कैश वैस सब कुछ चोरी कर लेते हैं। और पता है वो दिखते कैसे हैं, वो बड़ी क्यूट सी लड़की जैसे दिखते हैं और आते हैं आपके गले लगते हैं, आपको मतलब इतना कम्फर्ट फील कराते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, किसी के हाथ से भी कुछ न पीना है, क्योंकि ना डांस करते टाइम क्लब में मैं देख रहा था बहुत सारे लोग किसी के मुँह गुब्बारे लगा रहे हैं, कोई पी रहा है कोई नहीं पी रहा है, तो भाई हम तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहते, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, अगर मुझे यहां कुछ हो गया ना तो मेरे घर वाले की इतनी भी हिम्मत भी नहीं कि मुझे यहां से लेकर बाहर जा पाए, इसलिए ठीक है। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ, अपने होटल पर चलते हैं, पहले कुछ पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है चलो। तो भाई जी मैं आ गया हूँ, अभी फिर मैं आ गया हूँ, 15 बात मेरे पास पड़े हैं सिक्के, और यहाँ पे ना मुझे कॉफ़ी मिल जाएगी, कॉफ़ी अपनी रेडी हो चुकी है। बिक्की भाई ने मेरे लिए बढ़िया सी कॉफ़ी निकाल दी, 15 बात मेरे पास थे। तो चलो फाइनली आपका पहुँच चुके हैं अपने मैड मंकी में, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लगे हमको कॉफ़ी अभी पीते हुए, आराम से आ गए, अब चलते हैं अपने रूम पे। चलो भाई अपने ने कहते हैं आपका कॉफ़ी अभी पी ली है, अब मैं चलता हूँ रूम की तरफ। बाकी भाई आपसे ये रिक्वेस्ट है भाई, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और अगर थाईलैंड आ रहे हो तो भाई इस स्कैम में मत फंसना। अगर मैं वहाँ पे हाँ बोलता था ना, मैं इतना बुरा फंस जाता ना भाई थाईलैंड में, आज भी रात भर मैं क्या बोल, क्योंकि मैंने खाली हंस के हेलो बोल दिया और वहीं पे मेरी पूरी कहानी खराब हो गई भाई। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में और एक नई लोकेशन में, आपको घुमाते हैं कल, कुछ अच्छा दिखाएंगे, गाँव का एरिया या दिन का बाजार घुमाएंगे, कहीं कुछ दिखाएंगे थाईलैंड में, आखिर इंडियन फूड कहाँ मिलता है थाईलैंड में, मार्केट कहाँ होता है थाईलैंड में, इंडियंस लोग कहाँ रहते हैं थाईलैंड में, इंडियन खाना कहाँ मिलता है थाईलैंड में, क्या क्या और होता है वो सब कुछ आपको कल दिखाएंगे। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी बहुत सारे देशों की यात्रा और बची है, ठीक है, बाय।